कैसे जो है ये काम करती है, कैसे जो है ये पार्ट। ये जैम कंपनी की मशीन का जो है हम रिव्यू करेंगे, इस मशीन को दिखाएंगे आपको। ये गुआना की जो है ये देखो कितनी अच्छी आवाज़ है मशीन की, और जो है ये मशीन अब जो है स्टार्ट कर दी, आवाज़ बहुत ही शानदार है। इससे जो है ये लीवर है, लीवर से ऊपर नीचे जो है ये मशीन जाती है ये देखो, और इससे जो है ये काटने वाली जो फिंगर है जो जीरी को अंदर डालती हैं वो भी जो ऊपर नीचे इस मशीन में जो लीवरों से होती है ये देखो। ये गुआना की श्री इंटरप्राइज गुआना, ये जो है यहाँ पे इनका एड्रेस है जींद रोड पे। यहाँ पे जो है बहुत सारी मशीन है अंदर, जो देखो 3-4 मशीन अंदर खड़ी हैं। अगर आपने ख़रीदनी है तो ख़रीद सकते हैं आप यहाँ पे आके। बहुत ही शानदार मशीन है ये, सारा इसका फंक्शन टैंक। ये अब जो है इसका थ्रेसर चल पड़ा ये देखो, थ्रेसर इन्होंने चला दिया और आगे जो है ये कटर भी चला दिया ये देखो, कैसे जो है ये काम करती है, कैसे जो है ये काट। ये गुआना जो है इसकी एजेंसी है गुआना जींद रोड पे, वहाँ पे जो है आप आके जो मशीन को ख़रीद सकते हैं। ये एक मशीन ये खड़ी है यहाँ पे, ये भी जैम कंपनी की है, और एक मशीन वहाँ पीछे खड़ी है, साथ में ट्रॉली भी है, ट्राली भी जो किसान इस मशीन की ले सकता है, जिससे ट्राली में जो है इस मशीन को इधर उधर ले जाना है। तो यहाँ पर गुआना की जो है जींद रोड पर इसकी एजेंसी है। तीन सौ साठ डिग्री पे जो है ये ओवर इसका घूमता है, 360 डिग्री पे जो है घूमता है ये, जिससे जीरी वगैरह आसानी से जो है डाल सकते हैं। जो अंजय किसान साथियों, आज हम आपके लिए जैम कंपनी की मिनी हार्वेस्टर जो है आपके लिए लेके आए हैं। आज इसका रिव्यू करेंगे, हर चीज़ जो इस मशीन के बारे में बताएंगे, कैसी मशीन है और जो किस किस काम में जो है ये आती है, और जो है कटर का साइज़ क्या है, प्राइस क्या है, सारी चीज़ें जो हम बताएंगे, कैसे जो है ये काम करती है, हर चीज़ जो बताएंगे इस मशीन के बारे में। बात करते हैं फ्रंट में, फ्रंट में जो सामने आपको ये दिखाई दे रहा है इसका कटर, कटर जो है ये 7 फुटे कटर में जो है ये मशीन आपकी आती है। नीचे जो है ये ब्लेड लगे हुए हैं, इसमें अलग अलग ब्लेड हैं, इसमें जो है आसानी से किसान जो है ब्लेड को साइड से जो है चेंज भी कर सकता है। और जो है ये सामने बहुत ही शानदार और जो है हैवी पत्ती के अंदर जो है ये इसके फिंगर दे रखे हैं, जिससे जो है ये फसल को उठा उठा के जो है उसके अंदर डालती है, जिससे जो है अंदर चैन के द्वारा
इस चैन के द्वारा जो है ये अंदर जो है थ्रेसर में जाता है, जिससे अंदर जाके जो है बीज अलग, जैसे जीरी है जीरी अलग, और जो है बाकी सारा जो पराली होती है वो अलग जो है इसके अंदर जाती है। बहुत ही हैवी जो है कटर दे रखे है, यहाँ से जो है कटर की जो है हम सेटिंग कर सकते हैं। और मशीन भी जो है काफ़ी हैवी मशीन जो है इसमें दे रखी है, डबल फुट स्टेप के साथ ये मशीन है, डबल इसके अंदर दिया गया। बाकी यहाँ पे सारी जो है जानकारी इस मशीन की दी गई है, चेसी की, और जो है कौन कौन से गियर में जो है ये मशीन चलती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये बार कोड स्कैनर और जो है बाकी सारी इंस्ट्रक्शन है, टेंशन है, बाकी सारे जो है यहाँ पे इस मशीन के दिए गए हैं। अब मैं ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या फंक्शन है। ये यहाँ से जो है किसान ऊपर चढ़ के जो है इस मशीन पे बैठ सकता है। बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, पीछे जो है फैन लगा रखे है, ऊपर जो है फाइबर की छतरी इसके अंदर आती है, ये भी जो है ऊपर नीचे हम इसको सेट कर सकते हैं। साथ में ये ड्राई टाइप एयर क्लीनर के साथ ये मशीन आती है। और जो है इसमें दिखा दूँ आपको, ये जो अलग अलग गियर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले तो ये वाला जो गियर है राइट साइड में, ये है, ये जो सामने वाला ये जो फिंगर है जिससे माल उठाती है उसको ऊपर नीचे करने का, और जो है ये लेफ़्ट राइट करना है, मशीन को लेफ़्ट ले जाना है या राइट ले जाना है, तो यहाँ से जो है लेफ़्ट राइट मशीन जाएगी। आगे करेंगे तो ये जो है नीचे की तरफ जाएगा, नीचे गिरी हुई जीरी को भी उठा लेगा, और पीछे करेंगे तो ये जो है कटर वहीं चलेगा और जो है ये फिंगर इसकी ऊपर नीचे हो जाएंगी। और ये जो है ये वाला जो लीवर है इसमें क्या है, जो ये इसकी जो स्पीड है इसकी स्पीड को हम मेंटेन कर सकते हैं कम ज़्यादा। और ये यहाँ पे ये इसकी जो है गियर है, ये यहाँ पे जो है इसको आगे करेंगे तो हार्वेस्टिंग पे चलेगी, पीछे करेंगे न्यूट्रल हो जाएगी। और ये सारा जो है इसमें इसको अगर हम आगे करेंगे, ऐसे आगे करेंगे तो मशीन जो हमारी आगे चलेगी, और इसको ऐसे पीछे करेंगे, ऐसे पीछे करेंगे तो मशीन हमारी जो है रिवर्स में चलेगी, पीछे की तरफ जाएगी, और यहाँ पे जो है ये न्यूट्रल रहेगी, आसानी से मशीन यहाँ पे खड़ी रहेगी। और ये जो लीवर यहाँ पे दिया गया है, ये जो इसका धान डालने का या कोई भी फसल डालने का ट्राली के अंदर डालने का जो है ये 360 डिग्री का जो है यहाँ पे ये दिया गया है, जिससे इसको आसानी से हम जो घुमा सकते हैं, उठा के किसी तरफ घुमाना हो। और दूसरी तरफ ये जो है ये जो लीवर यहाँ पे दिया गया है ये है इसकी रिवर्स पीटीओ, जैसे मशीन के अंदर कोई चीज़ फंस गई तो उसको वापस करने के लिए जो है ज़्यादा जो है ये जाम ना हो, आसानी से जो इसको निकाल सके, तो इसको रिवर्स पीटीओ है, ये वापस जो है माल को आगे की तरफ निकाल देगी। ये जो है कटिंग बार ट्रांसमिशन क्लच है, ये जो है क्लच है कटिंग वाली, और जो है ये थ्रेसर की क्लच है, ये काटने वाला रोकना है तो यहाँ से जो इसको खींच के जो रोक सकते हैं। और ये जो थ्रेसर की क्लच है, जो पीछे थ्रेसर रोकना है तो यहाँ से जो है थ्रेसर को हम रोक सकते हैं। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई हैं। और पीछे दिखा दूँ, ये जो है ये यहाँ पे जो लीवर दिया गया है जिसकी मदद से जो है इसके अंदर से जो है जीरी है गेहूँ है होते हुए जो ट्राली के अंदर जाएंगे तो यहाँ से उसको जो है यहाँ से चलेगी। और पीछे जो इसमें ग्लास दे रखा है, जो टंकी है उसको काटने वाले को पता लग जाएगा कि जो इसके अंदर कितना माल हो गया, ये टंकी भर गई है तो अब इसको खाली कर दो। तो ये यहाँ पे जो है पूरी इसकी डिटेल दी गई है। और ये ड्राई टाइप जो एयर क्लीनर के साथ ये मशीन आती है, ये जैम कंपनी की। और ये जो है इसका बूम है, पीछे जो 360 डिग्री 360 डिग्री में घूम के जो है ये ट्राली के अंदर जो है दाने डाल सकता है। ये पंखा मैंने दिखाया था, कंफर्टेबल सीट है, बहुत ही कंफर्टेबल। और आगे जो है ये थ्रेसर में जाने के लिए रास्ता देख सकते हैं। और पीछे ये कटर और जो है क्लियरेंस, बहुत ही अच्छी क्लियरेंस के साथ। ये इसका क्लस्टर मीटर है यहाँ पे दिया गया है, ये वाटर टेम्परेचर का, ऑयल प्रेशर का, और ये कितने आरपीएम पे जो है ये चल रही है, और ये बाकी सारे इंडिकेटर इसके अंदर दिए गए हैं। ये इंडिकेटर लाइट, स्विच लाइट, और जो है सारे ये जो है स्टॉप करनी है मशीन, एमरजेंसी की स्टॉप जो है यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। साथ में ये इसका यहाँ पे जो है सामने जो इंजन पे जो है हवा लगती रहे, और नीचे इंटरकूलर दे रखा है टर्बो का, और जिससे जो है रेडिएटर पे हवा लगती रहे इंजन के। 90 HP का इंजन के साथ जो इस ये मशीन आती है, 90 HP का 4 सिलेंडर इंजन इस मशीन के अंदर जो है आता है। ये इसका बूम
बहुत ही लंबा बूम 360 डिग्री जो है घूम के जो है ये काम कर सकता है आसानी से। कणक डालनी है, पैडी डालनी है, कोई भी चीज़ आसानी से जो इसके अंदर हम ट्रॉली के अंदर डाल सकते हैं। नीचे ये मैकेनिज्म देख सकते हैं इसका, बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। नीचे जो है इसके रबड़ के पैर, रबड़ जो आती है जिससे मशीन चलती है, ये इसके नंबर जो हैं यहाँ ये लिख रखे हैं, और चाइना से जो है ये मशीनें जो है इंपोर्ट होती हैं। ये सारा जो व्हील जिससे जो है ये मशीन फंसती नहीं और जो लगातार ये अपना काम करती है। नीचे का जो है चेसी इसकी, और ये जो है इसकी ग्रिप जिसको गुड्डी बोलते हैं, ये गुड्डी ये जो है पक्के में जो है ज़्यादा घिसती है और कच्चे में जो है ये थोड़ा सा कम घिसती है। और मशीन अंदर से जो है ये पूरी जो है इसमें मशीन पीछे जो है इसमें ऑयल टैंक दे रखा है। 130 लीटर की कैपेसिटी का जो है इसमें ऑयल टैंक है, जिससे साथ में ये नाली लगा रखी है जिससे किसान को पता लग जाएगा कि इसमें कितना तेल है, उसको बार बार जो है खोलना नहीं पड़ेगा, नाली से ही पता लग जाएगा टैंक में जो है कितना तेल आया है। और ये सारे यहाँ पे फिल्टर दे रखे हैं, ये अलग अलग फिल्टर हैं, और सारा चाइनीज लैंग्वेज में जो है इन फिल्टरों के ऊपर जो है कुछ लिखा हुआ है। और ये जो है साइलेंसर इसका, ये पीछे से जो है एग्जॉस्ट और बहुत ही अच्छा साइलेंसर इसके अंदर दिया गया है, जिससे आग वगैरह लगने का खतरा जो है बिल्कुल मशीन में बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखो पूरा जो है स्टील का जो है इसमें ये दिया गया है, और 90 HP के इंजन के साथ ये मशीन आपकी आती है। साथ में ओगर में भी जो है ये हाइड्रोलिक जैक दिया गया है, जिससे जो ओगर उठता है और नीचे की तरफ आता है। पीछे जो है ये थ्रेसर का मुंह है, जिसमें से जो बचा हुआ मटेरियल है वो यहाँ से जो है इसके अंदर गिरता है। ये जो है ये देखो ये पूरा इसका मैकेनिज्म पीछे जो है ऐसे दिखाई देगी, बहुत ही हैवी चेसी के अंदर जो है ये मशीन। और इसका थ्रेसर दिखा दूँ मैं आपको अंदर से, थ्रेसर इसका इस तरफ जो है ये इसमें यहाँ से आसानी से खोल के जो है थ्रेसर को हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे खुल जाती है मशीन बहुत ही आसानी से। और जो है ये इसका थ्रेसर है, इसके अंदर जो है अंदर से जो बाहर से जो मटेरियल आता है वो इसके अंदर आता है, इसमें जो है ये घुमाती है, घुमाने के बाद जो है दाने नीचे आ जाते हैं। नीचे जो है यहाँ पे पंखा होता है, पंखा जो है इसकी सफाई करता है, ये ऐसे चलती हैं तो सफाई करने के बाद जो कचरा है वो पीछे चला जाता है और दाने जो हैं इसके अंदर चले जाते हैं। नीचे जाके हवा से साफ होने के बाद जो है उधर टंकी में चले जाते हैं, जिसे साफ सुथरा जो है दाना मशीन देती है। बाकी सारी जो है बेल्टें यहाँ पे पूरा जो मैकेनिज्म इस मशीन का, और काफ़ी सुविधा है, किसान आसानी से कोई चीज़ इसमें दिक्कत आ जाए तो आसानी से इसको खोल के भी जो है रिपेयर कर सकता है, क्योंकि मशीन है चलती हुई, जो मशीन में कोई भी जो है दिक्कत भी आ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। और बहुत ही हैवी, एक सीजन की गारंटी जो है इस मशीन की होती है। नीचे जो है ये सारे इसके अंदर हाइड्रोलिक जैक है ये वाला, जिससे जो है ये सामने वाला जो कटर है ये ऊपर नीचे उठता है, और दो इसमें हाइड्रोलिक जैक दिए गए हैं, और इसमें ये यहाँ पे ये वो दिया गया है कटआउट। यहीं पे जो इसके गियर बॉक्स अलग अलग गिरारी, यहाँ पे फ्राई व्हील, और ये इंजन ड्राइवर के बिल्कुल पीछे जो है ये इंजन दिया गया है इस मशीन का। यहाँ पे जो है इसके नीचे वाले जो टायर हैं वो चलते हैं, उसके जो गियर बॉक्स इसमें दिया गया, बाकी अलग अलग सेंसर यहाँ पे दिए गए हैं जिससे मशीन जो है अच्छी चलती रहे। और जो है ये सारी लाइटें इसके अंदर, और जो है सेफ्टी के लिए जैसे कि डोले वगैरह में जो है लग जाए तो कोई भी इसके अंदर नुकसान ना हो, पार्ट में कोई नुकसान ना हो, तो ये जो है ये इस तरीके की मशीन है ये जैम की, बहुत ही अच्छी शानदार जो है मशीन है। इसकी सारी जो है टेक्निकल बताते हैं आपको कि क्या साइज़ है। अब इसकी थोड़ी सी टेक्निकल जो है जानकारी हम आपको देते हैं। जो ओवरऑल डायमेंशन है इस मशीन की, लेंथ है ये है
4960 mm, और विड्थ है वो है 3514, और हाइट जो मशीन की है वो 2830 mm की जो है इस मशीन की टोटल हाइट है। और जो है मॉडल इसमें अलग अलग आते हैं, 4L88, 4G33, और जो टाइप जो है इंजन का जो टाइप है ये इनलाइन जो है पंप के साथ ये मशीन आती है, वाटर कूल 4 स्ट्रोक इंजन इसके अंदर आता है। पावर जो है इसकी 90 HP, 65 HP जो अपने हिसाब से किसान ले सकते हैं। फ्यूल कैपेसिटी 130 लीटर। हाइड्रोलिक गियर बॉक्स के साथ ये जो है मशीन आती है। कटिंग विड्थ जो है इसकी mm में है 2.2, और फीडिंग कैपेसिटी किलोग्राम प्रति सेकंड जो है 4 से 6, 4 जो किलो जो है ये प्रति सेकंड जो है माल अपने यहाँ से काट के जो है अंदर जो इसके अंदर ले सकती है। लिफ्ट टाइप जो है हीटर है, इसमें हाइड्रोलिक जो है हेडर है या हाइड्रोलिक से ही जो ये काम करता है। और जो इसका थ्रेसर है वो है एक्सियल फ्लो और बीट बार, और 360 जो है इसका ग्रेन अनलोडिंग टाइप जो है ऑगर इसमें दिया गया है। और जो है इसका ग्रेन टैंक जो है जिसमें जो है ये पैडी है वो इकट्ठी होती है, 1.4 जो है m³। और ये राइस है, वीट है, इन दोनों चीज़ों को और भी जो है अलग अलग इसके कटर को चेंज करके जो है हम इसके अंदर काट सकते हैं। साथ में जो है ये ट्राली भी जो है गोहाना के डीलर हैं ये, तो वो इस ट्राली को भी जो है साथ में सेल आउट करते हैं। इसकी कीमत लगभग जो है 1.5 लाख रुपये इस ट्राली की कीमत दी गई है, और काफ़ी हैवी ट्राली है बंधवा रखी, जिस वो मशीन का जो पूरा वजन जो है ये उठा सकती है। साथ में जो ये ट्राली भी जो है किसान ले सकता है। अगर इस मशीन के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके यहाँ पे जो श्री इंटरप्राइजेज जो यहाँ पे आप कॉल करके जो है इसकी पूरी जानकारी मशीन की ले सकते हैं, और आपने ख़रीदनी है तो ख़रीद भी सकते हैं। तो ये है मशीन जिसका आज हमने रिव्यू किया। कोई गलती होगी हो तो माफ़ करना, क्योंकि इसकी थोड़ी सी कम नॉलेज है हमें मशीन की। और सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी ने अपनी वीडियो बनवानी है तो वो हमें कॉल करके भी अपनी वीडियो बनवा सकता है। हमारा नंबर है 9416041612, 9416041612, सोनू मोर हमारा नाम है, तो उस पर कॉल करके जो है वीडियो बनवा सकता है। आप सभी लोगों का इशारा हमें, आप चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे तो उसका आपको पता लग जाएगा। तो सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने अपना कीमती समय हमारी वीडियो को दिया।